अंकलेश्वर तालुकाना खोरड गाम खाते वेलफेर हॉस्पिटल मां डेंटल इम्प्लांट सेंटर नो प्रारंभ करवामां आव्यो छे। अंकलेश्वरना खरोड गामनी वेलकेर हॉस्पिटलमां डेंटल इम्प्लांट सेंटरनी सुविधा उपलब्ध करावामां आवी छे। सनफार्मा कंपनीना सीएसआर विभागना अनुदानथी तेमज वेलकेर हॉस्पिटलना सहयोगथी अत्याधुनिक डेंटल इम्प्लांट सेंटर सुविधा उभी करवामां आवी छे। त्यारे सनफार्मा कंपनीना वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अजर खानना हस्ते डेंटल इम्प्लांट सेंटरनुं उद्घाटन करवामां आव्युं हतुं। आ अत्याधुनिक डेंटल इम्प्लांट सेंटरमां दांतना रोग अने दांतना इम्प्लांटनी सुविधा उभी करवामां आवी छे। राहत दरे आ सुविधानो प्रारंभ करवामां आव्यो छे, त्यारे भरूच जिल्लामां एकमात्र वेलकेर हॉस्पिटल खाते डेंटल इम्प्लांट सेंटरनो प्रारंभ करवामां आव्यो छे। आ डेंटल इम्प्लांट सेंटरना डॉक्टर जुल्फिक मांजू, डॉक्टर कंजल रमाणी, डॉक्टर अनिकेत वकील द्वारा सारवार आपवामां आवशे। आ उद्घाटन प्रसंगे वेलकेर हॉस्पिटलना ट्रस्टी मौलाना इब्राहिम मजहरी, मोहम्मद बियाद सहितना ट्रस्टीओ तेमज सनफार्मा कंपनीना अधिकारीओ अने वेलकेर हॉस्पिटलना तबीबो अने नर्सिंग स्टाफ हाजर रह्यो हतो। हॉस्पिटल के ओपीडी एज वेल एज इनसाइड हॉस्पिटल में देखा और स्पेशली डेंटल सेक्शन देखा मैंने, एंड मुझे ये कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि किसी भी चैरिटेबल हॉस्पिटल में इतना अच्छा सेटअप मैंने नहीं देखा। ओपीजी मशीन से लेकर के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर इम्प्लांट टेक्नोलॉजी हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, और इम्प्लांट जो कि अभी बहुत एफ्लुएंट फैमिली, बहुत अमीर लोग खाली इस चीज़ का फ़ायदा उठा पा रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि एक चैरिटेबल हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी अवेलेबल हुई है, और डे बाई डे जैसे जैसे लोगों के अंदर मेडिकल अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, ओरल हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है, बिकॉज अब लोगों को समझ में आ रहा है कि दांत और उससे संबंधित चीज़ें बहुत सी बीमारियां पैदा करती हैं। ओरल हाइजीन के लिए और ओरल ट्रीटमेंट के लिए इससे अच्छा सेटअप किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में आई थिंक मुश्किल से ही देखने को मिलता है, और यहाँ के डॉक्टर्स इतने ज़्यादा क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्होंने इतनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज की हुई हैं। आई थिंक आई एम वेरी सेटिस्फाइड आफ्टर सीइंग दिस हॉस्पिटल। सन फार्मा हैज़ सपोर्टेड दिस सेटअप ऑफ डेंटल हॉस्पिटल, और सन फार्मा का ये हमेशा से हो रहा है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारे सेंटर ऑफ थिंकिंग में, हमारी सोच में पेशेंट और बेनिफिशियरी होता है, तो उसकी सोच जो है वो पेशेंट सेंट्रिक सोच है हमारी, और इस हॉस्पिटल की भी सोच पेशेंट सेंट्रिक सोच है। तो इसलिए हमारा दोनों आदमियों का जो ऑब्जेक्टिव है, जो लाइन ऑफ थिंकिंग है, वो एक जैसी है कि पेशेंट की लाइफ को कैसे अच्छे से अच्छा बनाया जाए और अच्छे से अच्छा। वेलकेर हॉस्पिटल खरोड माटे एक ऐतिहासिक दिवस छे। આપણી વેલકેર હોસ્પિટલ ખરોડ જે એક ચેરિટેબલ હોસ્પિટલ છે એમાં આજ રોજ સન ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીના સૌજન્યથી આપણે એડવાન્સ સેન્ટર ફોર ડેન્ટલ ઇમ્પ્લાન્ટોલોજીની સ્થાપના કરવા જઈ રહ્યા છીએ। આ જે સેન્ટર એસ્ટેબ્લિશ થવાનું છે, ઇમ્પ્લાન્ટ ડેન્ટલ ઇમ્પ્લાન્ટ સેન્ટર, એનું મેઇન ઇન્ટેન્શન એ છે કે આજના દિવસોમાં દર્દીઓ જે દાંતની પીડાય છે અને એવા દર્દીઓ કે જેને ફિક્સ દાંતની ચોકટાની જરૂરત હોય છે અને એ લોકો એ સારવાર એનો એક્સપેન્સ વધારે હોવાથી લઈ શકતા નથી, તો આજે અમારા ઉદ્દેશ્ય એ છે કે અમે આજે આ સેન્ટર એસ્ટેબ્લિશ કર્યું છે એનાથી ગરીબ મધ્યમ વર્ગના દર્દીઓને એઝ વેલ એઝ NRI પેશન્ટ હોય કે રીચ પેશન્ટ હોય, એ લોકો બધા માટે એક એફોર્ડિંગ રેટ્સ પર, ચાર્જ પર, રાહત દરે ઇમ્પ્લાન્ટની સારવાર ઉપલબ્ધ થઈ શકે, વિથ ઓલ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ્સ ને નોર્મ્સ ફૂલફિલ કરીને આપણે આ સેવા સારવાર પેશન્ટને દર્દીઓને ઉપલબ્ધ કરાવી શકીએ। ને આ દિવસ વતી અમે વેલકેર હોસ્પિટલ પરિવાર સન ફાર્મા ઇન્ડસ્ટ્રીના આભારી છીએ કે એ લોકોએ એમની CSR એક્ટિવિટીથી અમારી હોસ્પિટલને આટલું મોટું દાન આપીને આ સેન્ટર એસ્ટેબ્લિશ કરવામાં મદદ કરી, અને આગળ ભવિષ્યમાં બી અમે એમની સાથ અને સહકારની અપેક્ષા રાખીએ છીએ।